देखते आंखों सुनते कानों को हमारे चैनल डैड्स रसोई में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम फिर एक बार आपके खदमत में हाजिर है एक नई रेसिपी के साथ। आज की हमारी रेसिपी है शीख कबाब बिना तंदूर के, देसी जुगाड़ के साथ। आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे आधा केजी कीमा लिया है और इसके लिए हमने दो अंडे भी लिए हैं, नमक एक चम्मच लिया है और काली मिर्च का एक चम्मच एक लिया है, धनिया पाउडर एक चम्मच लिया है और कश्मीरी मिर्च एक दो चम्मच लिया है और गरम मसाला एक चम्मच लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी एक दो चम्मच लिया है। अब हम इसमें ये सब ऐड करके मिक्स करेंगे। अब ये मसाले हम इसमें मिक्स करेंगे। और दो अंडे जो हमने लिए हैं वो भी हम इसमें तोड़ को डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये लगभग कीमा बिल्कुल अच्छा मिक्स हो गया। इसमें जो हमने दो अंडे भी डाले थे वो बाइंडिंग के लिए डालना ज़रूरी है। अब इसको हम कम से कम मैरिनेशन के लिए एक आधा घंटा रखेंगे ताकि ये बिल्कुल मसाले आपस में बाइंड हो जाए। इसको हम कवर से ढक के रखेंगे और आधा घंटे के लिए हम मैरिनेशन के रखेंगे। ये हमारा कीमा मैरिनेट हो गया है, इसको आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। अब हम इसे देखेंगे, ये बिल्कुल रेडी हो गया कीमा, ये देखिए। अब हम इसको गाड़ी पे चढ़ाएंगे। देसी जुगाड़ हम पहले हम दिखाएंगे कैसा करना है, बिना तंदूर के, बिना कोलसा के और बिना आउटडोर के। देखिए, अब हमने तंदूर के बदले हम क्या करेंगे, एक तवे पे, गैस पे एक तवा रखेंगे जिसमें हम घर में रोटी बनाते हैं। और इसके लिए हमने पत्थर के दो टुकड़े लिए हैं जो हम ऐसा साइड में रखेंगे इसी देसी जुगाड़ के साथ। और अगर हमारे पास, हमने ऐसे सेक भी लिया है जिसमें हम कबाब को चढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपके पास ये सेक नहीं है तो आप इसको दूसरे प्रोसेस से भी करेंगे। आप ऐसा काड़ी भी ले लेंगे, काड़ी लेके इससे भी आप यूज़ करके ऐसा कबाब को आप यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट प्रोसेस। अब हमने सीख भी लिया है, अब हमें कीमा हाथ को ले लेंगे। हाथ हमने पहले ही भिगा के रखा है, इतना हमें कम से कम इसको ले लेंगे, ठीक है। बिल्कुल रेडी हो गया है, ऐसे हम पूरे काड़ियां लगा लेंगे। हमने तीन काड़ी लगाया पहले, हमारे पास तीन ही काड़ी है, आप चाहे तो चार पांच भी लगा सकते हैं। और हमने यहाँ पे ये फ्रेम लिया है, आप चाहे तो ये जो जो हमने बताया पत्थर के टुकड़े भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये फ्रेम था, फ्रेम से हम काम चला गए। तीन काड़ी हमने रखे थे, लगभग 6 से 7 मिनट हो गए लगभग, ये देखो पकने का आ रहा। अब इसमें हमें जिसमें जूस उसके अंदर से जो निकल रहा उसमें हम उसको ग्रीस करेंगे। देखिए जो पानी वो छोड़ रहा उसी पानी से हम इसको ग्रीस भी करेंगे। इसको हमें अभी 1-2 मिनट पकाएंगे तो ये बिल्कुल काड़ी रेडी हो गई। ये पूरे रेडी हो गए। अब हम ऐसे ही पूरे दूसरे काड़ियां भी रेडी करेंगे। अब इसको हम निकालेंगे, बिल्कुल इजी से ये निकलते हैं। अब ये शीख कबाब बिना तंदूर के रेडी है। अब हमें इसे गार्निश भी रेडी कर दिया, ये देखिए गार्निशिंग भी हो गया। आप ये ट्राई कीजिए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर और एक वीडियो के साथ, तब तक दे दीजिए इजाज़त।